गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कुछ चीज नहीं है जो, हाँ थोड़ा मीडिया खरीदता जरूर है। इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम। ये बादल गांव पास में ही पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। आज जींद की धरती पर इतनी ठंड के बावजूद इतनी भारी संख्या में, लाखों की गिनती में आप लोगों का घर से निकलकर आना ही इस बात का संकेत है कि नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हो। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंच पर आसीन देश के वो क्रांतिकारी नेता जिन्होंने रामलीला ग्राउंड में, अरविंद केजरीवाल जी जो आज अपनी ही धरती पर आए हैं, क्योंकि हरियाणा का लाल केजरीवाल, जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम जाते थे जैसे कि आज हम आए हैं दोनों, ऐसे ही पंजाब जाते थे इलेक्शन के समय, हम लोग गारंटी देते थे, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते थे कि बिजली का बिल नहीं आएगा, एक बार मौका दे दो बिजली का बिल जीरो आएगा। देखो गारंटी थी तो विपक्ष वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, हमने उनको बताया नहीं, लेकिन आज हम बता देते हैं पैसा उन्हीं में से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत लूटा हुआ है, बहुत कमाया हुआ है, हमने वो लीकेज बंद कर दी, पैसा खजाने में आ रहा है। 90% पंजाबियों को बिजली का बिल जीरो आ रहा है, ये आपके सामने 1 लाख बिल पड़े हैं, ये देख लो। आपको सुन के हैरानी हो गई, अभी 20 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए, 20-21 महीने हुए हैं, 42,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, 42,000 सरकारी नौकरियां। ये गुप्ता जी कह रहे थे 1.5 लाख, 1.5 लाख तो जी हम 2 साल में कर देंगे पूरी, और अफसर बन रहे हैं लोग अफसर। पंजाब में सरकार आपका दरवाजा खटखटाती है कि आइए, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। ये क्या समझते अपने आप को, इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता, हमारा दादा भी परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ फुफा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलत फहमी में थे, जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास में ही पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब, जनता है जनता। ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं, आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं, बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना, क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। 15 लाख रुपया आ गया जी, तो गुप्ता जी आप तो कह रहे थे आ गया, पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो ये नहीं आएगा। ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, जुमले सुनिए इनके जुमले, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। ये बात शक में है भाई साहब, मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था, गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कुछ चीज नहीं है जो, हाँ थोड़ा मीडिया खरीदता जरूर है,
ऐसा नहीं है क्रिकेट बेचा है, कुछ खरीदा भी है तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए, इनका क्या करोगे भाई साहब? 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं, अब परखे हुए को और पथ परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी, जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी वो तो खाली है, क्या करें? मोदी जी ने पूछा कहो किसने बनाए, सतेंद्र जैन ने बनाए, जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया सतेंद्र जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे मापे, हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए, जी मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल लो, जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल, हरियाणा भी जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, जहां भी जाता है बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप, जेल से डराओगे? हम वो पत्ते नहीं, यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, दो चार तो आए होंगे ना, आते हैं देखो आते हैं, वो उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहां पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए, बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहे, हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब। बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, हमारे अग्निवीर हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के, गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है भाई साहब, इनको क्या पता है यार देश का, ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है, भाई हमने ही लेना है। अगर भगत सिंह ये सोचते हमने क्या लेने का, याद होते लाला लाजपत राय जी का आज उनका जन्मदिन है, आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से। इनकलाब भारत माता की, वंदे बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, इतने प्यार सत्कार से सुना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।